बेटा जैसे कि हम लोग का आईआईटीज के बारे में सीरीज चल रही थी, तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी गांधीनगर की। एनआईआरएफ रैंक बच्चों 18 है, लेकिन बच्चों इससे पहले मैं सभी आईआईटीज के बारे में बना चुका हूं। अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप लोग बच्चों सारी आईआईटीज के बारे में एक बार वीडियो देख लें, कितनी रैंक पर एडमिशन होगा, कैसे कैसे होगा, सारी मैं बता चुका हूँ। देख रहे बच्चों 400 एकड़ में फैला हुआ है आईआईटी गांधीनगर। बिल्डिंग देख रहे एकदम ताज होटल जैसा लग रहा है ना, ताज होटल को भी फेल कर दिया, किसी को दिखाएंगे तो बोलेंगे होटल है ये, है ना। तो इतनी लाजवाब तरीके से आईआईटी गांधीनगर बनाया हुआ है, गुजरात में है बच्चों, तो फिर पैसा तो है ही है ना। अब इसकी कोई बच्चों बेसिक बातें और कर लेते हैं। अगर बेटा आपको बीटेक लेना है आईआईटी गांधीनगर में तो 8 लाख रुपए लगने वाला है आपका 4 साल में। ये बहुत ज्यादा नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि गवर्नमेंट आपके ऊपर 50 लाख रुपए खर्च करने वाली है और भी 50 लाख रुपए खर्च करने वाली है। 8 लाख रुपए लग रहा बच्चों। 12th पास होने चाहिए बच्चों पीसीएम के साथ साथ, आपके 75% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम के अंदर। और हाँ, जेई मेंस के अंदर आप क्वालिफाई होंगे तभी आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। एडवांस के अंदर अगर आपकी रैंक आती है तब आपका एडमिशन आईआईटी गांधीनगर में होगा, नहीं तो बच्चों सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है एडमिशन के लिए यहाँ पे। ये होगी बच्चों एक बात। अब हम बात करेंगे बेटा दूसरी बात। अब मैं बात करता हूँ फैसिलिटीज ऑफ आईआईटी गांधीनगर। तो बेटा आईआईटी गांधीनगर की फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे तो बच्चों कैंपस के अंदर ही एटीएम है। देख रहे हो कितनी मजे वाली बात है, बाहर से पैसा लाना नहीं है भैया, यहीं से निकालो यहीं से खर्च करो, कैंपस के अंदर ही आपको एटीएम मिल जाएगा। ऑडिटोरियम मिलने वाला है बच्चों बहुत बढ़िया सा, बैडमिंटन कोर्ट मिलने वाला है। बहुत सारे आईआईटीज में बैडमिंटन कोर्ट नहीं होता बच्चों, ध्यान रखना ना, बैडमिंटन कोर्ट नहीं होता है। बास्केटबॉल कोर्ट सब आईआईटीज में होता है। कैफेटेरिया यहाँ पे बच्चों 24/7 मिलने वाला है। क्लासरूम्स होने वाली है बहुत ही शानदार तरीके से, लग्जरी टाइप की क्लासरूम मिलने वाली है आपको। अच्छा, क्रिकेट ग्राउंड भी मिलने वाला है। अगर आप बच्चों क्रिकेट को खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट के लवर हैं, तो आपको एक सुंदर सा वीआईपी क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है कोच के साथ। आप लोग कोच के साथ प्रॉपर ट्रेनिंग करके अपनी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। आईआईटी गांधीनगर में फैसिलिटी है। डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ नॉर्मल लाइब्रेरी भी मिलने वाली है बच्चों। आप लोग यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी का फायदा उठा सकते हैं, पूरे तरीके से पढ़ सकते हैं ढंग से डिटेल में जो भी चीजें आपको पढ़नी हो। और बच्चों स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो फुटबॉल ग्राउंड आपको सेपरेट मिलेगा, पूरी टीम मिलने वाली है, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं इस टीम के साथ, आपके कोच भी मिलने वाले हैं। अगर आप बच्चों जिम का पसंद करते हैं, बॉडी सॉडी बनाना पसंद करते हैं, तो आप बच्चों जिम को जरूर ज्वाइन करें, जिम को ज्वाइन करें और बॉडी सॉडी बनाएं और अच्छे से पढ़ के निकले यहाँ से आईआईटी गांधीनगर से, पूरा फायदा उठाएं यहाँ का। हॉस्टल बच्चों अच्छा मिलने वाला है, हॉस्पिटल लाइफ भी बहुत शानदार होने वाली है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है 24/7 खुले रहना है इसको, कोई भी दिक्कत होती है जरा से भी, आप लोग मेडिकल फैसिलिटी इसका पूरा यूज कर सकते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों लैब मिलेगी प्रैक्टिकल्स के लिए आपको, है ना, प्रैक्टिकल्स के लिए बच्चों लैब मिलेगी। यहाँ पर शटल सर्विस भी है, कैंपस के अंदर ही आपको घूमना, बस ट्रैवल कर लो, बस को बुक कर लो, घूमते रहो कैंपस के अंदर ही, क्योंकि बड़ा कैंपस है बच्चों, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में 2-1 घंटा लग जाएगा, पैदल पैदल चलेंगे आप तो यहाँ पे बच्चों शटल सर्विस दे रखी है। टेबल टेनिस कोर्ट दे रखा है, वॉलीबॉल कोर्ट दे रखा है, वाईफाई फ्री दे रखा है 24/7। वॉलीबॉल आपको खेलना पसंद है तो वॉलीबॉल खेलें, टेबल टेनिस पसंद है तो टेबल टेनिस खेलें। यहाँ पे बच्चों टेबल टेनिस दे रखा है, टेनिस कोर्ट नहीं दे रखा, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, टेनिस बॉल कोर्ट नहीं दे रखा, टेबल टेनिस है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये होगी बच्चों इनकी सारी की सारी फैसिलिटीज के बारे में। तो बच्चों आज थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं अभी, है ना। यहाँ बच्चों अब बात कर लेते हैं आईआईटी गांधीनगर में 2022 में कितनी रैंक पर आपका एडमिशन हुआ है। तो बच्चों अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और आप जनरल से हैं तो 9000 पे आपकी सीट खुलने वाली है 9K पे, और बच्चों 14500 पर बंद होने वाली है। मतलब आपको अगर केमिकल इंजीनियरिंग करनी है आईआईटी गांधीनगर से तो 9000 रैंक आपकी एडवांस में होनी चाहिए कम से कम। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बच्चों जनरल वालों के लिए 11000 रैंक होनी चाहिए, 11 की होनी चाहिए। बेटा मैं सबकी बात करूं तो ओबीसी में बेटा 4000 रैंक आनी चाहिए और एससी के अंदर 2000 रैंक आनी चाहिए, एसटी के अंदर 1000 रैंक आनी चाहिए, 1K 2K 4K और 9K 2025 में ऐसा होना चाहिए बच्चों, है ना। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए बच्चों सबकी मैंने लिख रखी है, आप लोग जूम करके एक बार वीडियो को जरूर देख ले, सबकी सीट्स लिखी हुई है, कितनी रैंक आनी पड़ेगी आपको, एआईआर कितना लाना पड़ेगा तब आपका एडमिशन होने वाला है। कंप्यूटर साइंस की बात कर देता हूँ बच्चों में, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर बच्चों देख रहे हैं हम लोग तो जनरल के अंदर 1300 रैंक, 1300 रैंक लानी पड़ेगी अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, और क्लोज हो जाएगी बेटा 3200 पे क्लोज हो जाएगा आपका, है ना। अब ओबीसी की बात करते हैं बच्चों 600 रैंक पे हो जाएगा और यहाँ पे 1000 रैंक पे बंदी हो जाएगा।
ओबीसी के साथ पीडब्ल्यूडी है अगर बच्चों आप, तो यहां पर आपको 200 रैंक 18 रैंक लानी पड़ेगी एआईआर 18। बेटा एक ही दो सीटें हैं, 18 पे ही ओपन होती है, 18 पे ही क्लोज हो जाती है, ध्यान रखने वाली चीज है ये। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाओगे बच्चों जनरल के अंदर आपको 4000 रैंक लानी पड़ेगी, ओबीसी के अंदर 1800 रैंक लानी पड़ेगी, एससी के अंदर 1000 रैंक लानी पड़ेगी और एसटी के अंदर 600 रैंक लानी पड़ेगी अगर आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है तो। आगे बात करते हैं बच्चों मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, बच्चों यहां पर अलग से है आईआईटी गांधीनगर में मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग दे रखा है, बाकी आईआईटीज में इसकी वैल्यू नहीं है बेटा, है ना, बाकी आईआईटीज में नहीं है। जनरल के लिए अगर आपको बच्चों 11000 रैंक आती है तो भी मिल जाएगा, 15800 पे क्लोजिंग है, 11000 पे ओपनिंग है बच्चों, ध्यान रखेंगे ये, है ना। एससी एसटी के लिए बात कर लेते बच्चों 1300-2600 होती रहेंगी, एससी के लिए बच्चों कितना 1300 रैंक लानी पड़ेगी अगर आपको मटेरियल इंजीनियरिंग साइंस करना है तो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जनरल के लिए बच्चों 7000 रैंक चाहिए आपको, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए बच्चों सारी रैंक के मैंने बता रखी हैं, आप लोग अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लें, उसके बाद फिर आप चीजों को और तरीके से एनालाइज करें। तो बेटा यहां ध्यान रखने वाली बात यह कि आईआईटी गांधीनगर में अगर आपको एडमिशन चाहिए बच्चों, मैंने सारी बातें बता दी है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर पूछ लें, मैं आपको सारी सॉल्यूशन बताऊंगा किसी भी आईआईटी के बारे में। तो आज बच्चों इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट आईआईटी से।